हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और कार रिव्यू लेके वापस आ चुके हैं। तो आज हम गाड़ी रिव्यू करेंगे, वो है मारुति सुजुकी जो है उसका बलिनो का सिग्मा, मतलब बिल्कुल बेसिक वेरिएंट जो है वो सिग्मा वेरिएंट होता है। अब वो हम आज रिव्यू करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो सबसे पहले इसका ऑन रोड प्राइस बताता हूँ, तो 7,32,000 ऑन रोड डेली का ये प्राइस है। बाकी आपके स्टेट में वेरी कर सकता है। कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है? 6 कलर्स में अवेलेबल है, नेक्सा ब्लू, ग्रे, सिल्वर, हेलो बेज, गाइस, वेलकम टू माय रेड यूट्यूब और चैनल। आज हम आर्किटेक्ट एक और व्हाइट। कार रिव्यू के बारे में सारे आपको कलर अच्छे हैं, लेकिन देना मुझे है। भाई आज की पर्सनली व्हाइट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल का मैं सही बहुत है। बड़ा फैन हूँ, तो मुझे तो व्हाइट गाड़ी का पसंद नाम है। है मारुति और सुजुकी बाकी आप बलिनो। जो बलिनो कोजो कलर पसंद है उसका आप बहुत कमेंट अच्छा सेक्शन में जरूर पैसे हमें भी कर अपडेट रही कर थी। सकते हैं। तो एक इंजन फेस्ट स्पेसिफिकेशंस की वर्जन बात आया कर है लेते हैं, मारुति का, नया 197 सीसी यानी उन्होंने 1.2 निकाला, इसको वीवीटी बहुत इंजन है, अच्छा पेट्रोल ऑलरेडी में आती रिस्पॉन्स है, मिला है। कोई अप्रॉक्स 40,000 डीजल में की नहीं है। बुकिंग ऑलरेडी क्रॉस 88 कर बीएचपी चुकी है। निकालती है, 113 एनएम टॉर्क के तो साथ, बात कर 22.5 लेते हैं एवरेज मारुति आता है की, इसमें। फ्रंट तो व्हील ड्राइव गाड़ी मैनुअल अभी 5 गियर्स में इसका आती है। करंट ऑन रोड लेंथ की प्राइस बात है, मैं करें डेली थ्री का नाइन बताऊं नाइन बिल्कुल जीरो सही एम एम वेरिएंट है। का, वो वेट की है बात करें 7,18,000 1745 रुपए एम एम की। डेली एक्शोरूम, ठीक व्हील है। बेस 2520 इतने एम एम की का, आ रही है ऑन रोड, फाइव यानी कि डोर फाइव 7.5 लाख सीटिंग कैपेसिटी है। तो नंबर मिल ऑफ सीटिंग जाएगा रोज भी इसमें 2 7,5 आती हैं। का है और वेरिएंट, बूट स्पेस की अगर बात बिल्कुल करें तो बेसिक काफी है, ठीक ठाक बूट बेसिक स्पेस फीचर्स मिलता है, बिल्कुल तीन सौ सारे अठारह बताऊंगा, लीटर्स का, ठीक है। 37 लीटर और का इसमें कंपनी फ्यूल टैंक मिल माइलेज जाएगा की आपको। एम क्या फ्रंट कहती में है, मैं डिस्क सारी है, रियर में डिटेल्स ड्रम बार है, बार देता रहूंगा। पोर्ट पर 9 मीटर का और टर्निंग कंपनी रेडियस है, माइलेज इलेक्ट्रिक करके स्टीयरिंग बाईस व्हील है, से स्टील तेईस रिम मिलेंगे, तो मैं स्पेयर आपको व्हील आपको एक्चुअली स्टील मिलेगा बताऊं तो 15 मारुति इंच का जो की, इंजन और है 185 काफी सीसी की तरीके में आता R15 की है, प्रोफाइल ठीक है। है। सिंगल बट अभी मारुति का आएगी एवरेज आप 80 मान के किलोमीटर्स पर चलिए अठारह कंटिन्यूस तक आपको बाइक है, मिलेगा, आपकी मेरा 1 टन सिक्स की किलोमीटर्स है, पर तो मेरे को एन पता कैप है अभी अठारह टेस्टिंग तक किया का गया, एवरेज। एयरबैग आपको मिलते हैं ये स्टैंडर्ड, निकाल आपको के देंगे ड्राइवर कि सिटी पैसेंजर में को, हाई सीट पे बेल्ट जाएंगे, वार्निंग डिपेंडिंग मिलती है करता इसके है अंदर, ड्राइवेबिलिटी बाकी पे, तो एबीएस, आपको बी ईबीडी स्टिकर मिल जाएगा, कोई और प्रॉब्लम ब्रेक नहीं आएगी असिस्ट, आपको तीनों इसमें। फीचर्स के अंदर आते बाकी हैं। ग्यारह सौ कीलेस नाइनटी नाइन एंट्री के एप्रोक्स साथ में आपको टू इंजन गाड़ी आपको कह मिल सकते जाएगी। हैं। स्पीड फाइव सीटर सेंसिंग गाड़ी डोर है, लॉक है, इससे चाइल्ड पेट्रोल सेफ्टी लॉक मारुति है, एयर डीजल कंडीशन मारुति जो है ऑलमोस्ट वो बंद ऑटोमेटिक है, करनी है, क्लाइमेट फिल्टर का कंट्रोल भी के साथ। ऐसे पता और नहीं फ्रंट है। में मैनुअल और एसी है, ऑटोमेटिक जो दो ही जो वेरियंट्स हैं, फ्रंट में मतलब एसी है उसी से आप दो वेरियंट मारते हैं, बाकी हीटर आप चला सकते जो हैं, मतलब आप वो लेना मैनुअल चाहे वाला जो ले होता है सकते आप हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है। जनरली बाकी लोग मारुति को वैनिटी मिरर मैनुअल में ड्राइवर लेते को हैं, ड्राइवर और दोनों को मिल जाते हैं क्लियर इसके नहीं अंदर। है वो रियर ऑटोमेटिक में में पार्किंग सेंसर थोड़ा देखिए, इशू आता पार्किंग है। कैमरा वगैरह नहीं मारुति का आते, ऑटोमेटिक पार्किंग ठीक ठाक सेंसर है जो है आप आपको, स्टैंडर्ड कर बिल्कुल दिए, डी जैसे एस सी पैसा वाली भी फीटिंग वेरेंट नहीं ले, आएगी, बट आपका काम तो चल बहुत जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है। स्टीयरिंग बाकी एडजस्टमेंट वेरियंट्स आपको की जो बात कर लेते टिल्ट हैं, तो उसमें सिग्मा एडजस्टमेंट आपको डेल्टा मिलता है, 12 वोल्ट का पावर जीटा और आपको मिलता है अल्फा इसमें आपको, सबसे जो मोबाइल वगैरह सबसे चार्ज करने के हाई लिए। एंड ड्राइवर मॉडल सीट है, को और फ्रंट इसके पैसेंजर प्रॉपर मॉडल सीट्स नहीं होती है। हैं, उनको सिक्स फिट जो मैनुअल बलिनो में एडजस्ट है, कर सकते हैं। सीट और ये बॉक्स की अभी बात जो करूँ, रिसेंट फेब्रिक लॉन्च कस्टमाल हुई है, किया गया तेईस इसके फरवरी अंदर। को ही लॉन्च हुई इंटीरियर है, डुअल टोन ठीक है। मिलता है, ब्लैक और ब्लू और कलर का, जो पेट्रोल इंजन है इसका आइडियल जो शाफ्ट टॉप काफी टेक्नोलॉजी के अच्छा साथ लगता है आता देखने है, में। और हेडरेस्ट जो इसका है फ्रंट बीएचपी इंडियर हॉर्स दोनों पावर मिलते की हैं बात आपको करूँ तो 82 इंच से एटीन देखने एच पी को, जो कि ठीक है, एटीन एच ये पी एक काफी अच्छी पावरफुल बात है। गाड़ी होती है। और भी हम जो मतलब है आप लेकिन वो आपको ब्लैक बटा कलर के के हैं, वो पिछले आपको लेंगे बॉडी तो कलर वाले आपको नहीं ऐसा मिलेंगे, फील मतलब होगा वो कि नहीं यार अगर आप गाड़ी बेस रुक गई वेरिएंट नहीं लेते हैं है, तो उसमें ब्लैक और कलर के एसी आते भी हैं। चलाएंगे तब भी और ऐसा कोई पावर फील नहीं विंडोज होने वाला फ्रंट है, एंड और ड्राइवर 113 एनएम का नौ टॉर्क बजे है, चारों जो पावर पुलिंग विंडो मैंने मिलते अभी हैं। चेक एक बार किया में था, छप्पन डाउन सिर्फ ज्यादा ड्राइवर को अर्निंग मिलता है, अच्छी नहीं होगा, और बट ठीक है, एडजस्ट इट्स फाइन, कर इतना सकते ही हैं, है लेकिन इतने इसकी वो इतनी गाड़ी में इतना प्राइम रेक्टेंगल नहीं नहीं मिल है या पाता है। फोल्डेबल वो नहीं और मिलेंगे आपको। रियर में अगर आपको हम डिफॉगर इसकी मिल जाएगा, बात करें जो इसके बाहर अंदर गाड़ी की डोर पॉकेट फीचर्स हैं, फ्रंट इंडिया फेस लिफ्ट, दोनों तो मिलता फेस है, लिफ्ट में आपको इलेक्ट्रिक न्यू टेल मिलने गेट वाली रिलीज है, मिल पहली जाएगा गाड़ी आपको हटा दी गई गाड़ी है। के अंदर। एलईडी रूफ हेडलैम्प माउंटेड मिलेंगे, एंटीना एलईडी और जो डी और बम्पर्स एलईडी हैं वो भी फॉग बॉडी लाइट्स, कलर और मिल जाएंगे, 16 लोग इंच जो कि एक्सटेंड देखने इंच में के अच्छे लगते 12 हैं टोन उनसे पता लाइटिंग्स लगता मिलेंगे, कि यार और वो बेस वारंटी के नहीं है, एलईडी वो इसके वरना टेल अगर नहीं डिस्प्ले हो तो थोड़ी में, बाद में ठीक है। दिक्कत सी लगती बाकी है। ये जो जो मैं आपको अच्छी हेडलाइट फीचर शेल्टर की बता रहा बात हूँ, करूँ ये तो हेडलाइट में सारे इस्तेमाल किया गया, वेरिएंट्स टेल में लाइट्स नहीं में मिलेगा, एलईडी का ये इस्तेमाल किया टॉप गया, वेरिएंट जो में मुझे आपको पर्सनली फीचर अच्छी बता टेल रहा हूँ। लाइट्स काफी अच्छी ये लगती है बेसिक देखने में, फीचर मिलेगा और जो कि एनालॉग और ऑन डिजिटल मॉडल का में मिक्स डिस्कस इसका करेंगे, इंस्ट्रूमेंट उसके बारे क्लस्टर, में बता रहा हूँ। मतलब ये सारे जिसमें फीचर्स आपको मिल सकते हैं सारी अगर आप चीजें लेना आ चाहेंगे जाते हैं, तो। हम देख सकते हैं इजीली, गियर का एंड चेंज कलर के करें बारे तो में उसका बात हम कर आपको लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन तो आती है। नेक्सा ब्लू है जिसमें बाकी लॉन्च इसमें हुई है, तो सिस्टम भी वगैरह ग्यारह कुछ कलर नहीं का है, उसको चूज करना और आजकल, ठीक है। सिंगल एक्सपेंडेड रिन्यू सिल्वर भी दे आता देना, है, 2 दिन का, तो भी ऑप्टिमम सही ग्रे, रहता, बट नहीं दिया चले ग्रेविन कोई जो बात नहीं। ग्रे, 40,000 किलोमीटर 2 साल तक की आर्किटेक्ट है, वारंटी तो है। एक नया कलर कंसिडरिंग इंट्रोड्यूस प्राइस कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा सा मुझे ऐसा लगता ऑरेंजी है शेड में हम कि उसे कह थोड़ी सकते सी हैं अगर ज्यादा अपनी प्राइस ही नॉर्मल गाड़ी है, रेंज बट में इसमें बात अगर करें हाँ तो इसी प्राइस ठीक है। में अगर अब मैं गाड़ी पे ये जब होता फाइव कि टू सिक्स सिस्टम लेन मिल चलते जाता हैं तो तो उसको काफी इंपोर्टेंट अच्छा नेक्सा वैल्यू ब्लू चाहिए, फॉर मनी मैं यार वेरिएंट हो ब्लू जाता चाहिए, है अगर व्हाइट आपको चाहिए, ब्लैक ओला चाहिए, वेल येलो वगैरह चाहिए, पसंद तो नहीं है एम तो। एस ए बाकी ट्रिम बात करता ये हूँ भी मैं ठीक है, सात इसमें फोर्ड अलाउ बात अपना करता हूँ। आप बात कर लेते हैं सिस्टम राइडर लगवा के स्लीप इसको को, ड्राइवर 7,40 होने तक वाली है, 7 45 तक ले ग्लैंजा सकते हैं। हुंडई तो अगर आई20 वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को अल्ट्रास लाइक कर होंडा सकते हैं, जैज चैनल पर नए होंडा चैनल को सिविक सब्सक्राइब कर पोलो। सकते हैं। थैंक यू सो मच।